गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10^9 अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी पर सेकेंड, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकूलम ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, तो एक हमारे पास बॉडी है, ओके अब ये पर सेकेंड यानी एक सेकेंड के अंदर कितने अल्फा पार्टिकल्स निकालती है, 10^9 अल्फा पार्टिकल्स इजेक्ट आउट करती है। ठीक है, इजेक्ट आउट कितने पर सेकंड के अंदर। अब एक अनादर बॉडी है जो उसको एक्वायर कर रही होगी, ये उसको ले रही होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये वो बोल रहे हैं कि कितने टाइम के बाद, यानी उन्होंने टी पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद इस बॉडी पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 16 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे लाना है हमें। माइक्रोकूलम बहुत ही छोटा सा चार्ज लाना है, सो डोंट वरी, जल्दी हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 10^9 अल्फा पार्टिकल्स जो है, 10^9 अल्फा पार्टिकल्स इजेक्ट आउट होते हैं एक सेकंड के अंदर, है ना, बॉडी ए में से। अब हम ये पता करें कि एक अल्फा पार्टिकल कितने सेकंड्स के अंदर इजेक्ट आउट होगा, तो एक अल्फा पार्टिकल पे पहले हम पता करते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है। देखिए हमें क्या करना है, उन्होंने हमें ना नंबर की टर्म्स में दिए हुए अल्फा पार्टिकल, और हमें 16 माइक्रोकूलम एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा हमसे ये मांग रहे हो, तो हमें इन अल्फा पार्टिकल्स को चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल कैरीज अ चार्ज ऑफ 2e। e कितना हो जाएगा, e इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 कूलम्स। ठीक है, तो एक अल्फा पार्टिकल पे इतना चार्ज होता है, तो 10^9 अल्फा पार्टिकल्स पे कितना चार्ज, दैट इज इक्वल टू 2 × e की जगह मैं रख देती हूँ 1.6 × 10^-19 मल्टीप्लाई बाय 10^9। ठीक है, ये क्या आ गया, कूलम्स आ गया, ये क्या आ गया, कूलम्स आ गया, चार्ज आ गया। और आप इससे भी निकाल सकते थे क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, 10^9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, है ना। तो क्योंकि अल्फा, एक अल्फा पार्टिकल पे 2e चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती है मेथड। ओके, तो हमने क्या काम किया, हमने 10^9 अल्फा पार्टिकल को कन्वर्ट कर लिया चार्ज के अंदर, तो 2e चार्ज होता है एक अल्फा पार्टिकल का, तो हमने काम खत्म कर दिया अपना। ओके फाइन, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये 10^9 अल्फा पार्टिकल एक सेकंड में इजेक्ट आउट होते हैं, मतलब इतने कूलम का चार्ज, कितने कूलम का चार्ज, दैट इज इक्वल टू 2 × 1.6 × 10^-19 और +9 कितना हो जाएगा, -10, इतने कूलम का चार्ज एक सेकंड के अंदर इजेक्ट आउट हो रहा है बॉडी में से, करेक्ट। तो अब हमें पता करना है कि 16 माइक्रोकूलम को कितना टाइम लगेगा, तो हम ये कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि 2 × 1.6 × 10^-10 कूलम के चार्ज को एक सेकंड लगता है। तो जितने सेकंड में ये, देखिए जितने सेकंड में ये इजेक्ट कर रहा है और ये उसको एक्वायर कर रहा है यहाँ पे, तो इसको अब 16 माइक्रोकूलम एक्वायर करने में कितना लगेगा, तो 16 माइक्रोकूलम है, तो मुझे 10^-6 कूलम करना पड़ेगा, तो 1 × 16 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 2 × 1.6 × 10^-10, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे मैं 10 ऊपर कर दूं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और ये हो जाएगा मेरे पास 5, तो एज इट इज 16 से 16 गया, और ये अगर ऊपर आएगा तो × 10^-10 का +10 हो जाएगा और ये -6, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 10^4 सेकेंड्स हो जाएगा। यानी ये बॉडी 16 माइक्रोकूलम, देखिए ये तो पर सेकंड इतने इजेक्ट आउट कर ही रही है, एक सेकंड में 10^9 अल्फा पार्टिकल्स ये निकालती है, तो निकालने के बाद ये बॉडी एक्वायर कर रही है, तो जब इसको 16 माइक्रोकूलम ये बॉडी एक्वायर कर ले, उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 5 × 10^4 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।